गुड मॉर्निंग everyone. Welcome वेलकम टू द मैथ्स क्लास इन maths मैथ्स लेक्चर वी आर गोइंग टू डू एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स अभी तक हमने जो ऐड वाले sums किए थे उनमें क्या था आप नंबर्स को ऐड करते थे और आपके पास सिर्फ दो ही नंबर्स होते थे अब हम करेंगे कि हम थ्री नंबर्स को यहाँ आपके पास थ्री थ्री नंबर्स दिए हैं ना आपको जैसे फोर थ्री एंड वन आपको तीन तीन नंबर्स को कैसे ऐड करना है सो वी विल डू दिस इन टूडेज लेक्चर सो वॉट यू हैव टू डू इज जैसे आपको यहाँ दिया है फोर प्लस थ्री प्लस वन हम सबसे पहले क्या करते हैं जो हमारा सबसे आगे वाला नंबर होता है ना फोर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको एक रो दी हुई है ना नंबर्स की यहाँ आप सबसे पहले फ़ोर को फाइंड करोगे कि आपका फोर है जो वो कहाँ है कौन सा नंबर फाइंड करना है फोर सो so, ये रहा हमारा फोर उसके बाद आप क्या करते थे आपका जो नेक्स्ट नंबर होता था ना आप उतने टाइम्स जंप करते थे मतलब यहाँ हम अब थ्री टाइम्स जंप करेंगे सो so, अगर हम थ्री टाइम्स जंप करेंगे फोर के बाद जंप करना है आपको थ्री टाइम्स वन टू एंड थ्री हम कहाँ पहुँच गए सेवन पे हमने थ्री टाइम्स जंप किया ना तो हम सेवन पे पहुंच गए उसके बाद आपको कौन सा नंबर दिया है एंड में वन मतलब थ्री के बाद आपको वन टाइम और जंप करना है एक बार और हमने जंप किया तो हम कहाँ पहुंच गए एट पे इसका मतलब फोर में जब आप थ्री ऐड करोगे तो आपको सेवन मिलेगा और उसके बाद वन फिर से ऐड किया तो हमें कौन सा नंबर मिला एट सो योर आंसर इज़ एट कैसे करना है पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको रो के ऊपर ढूंढना है हम क्या करेंगे अभी टू है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में तो टू फाइंड करते हैं कि हमारा टू कहाँ है सो हेयर इज़ टू ये रहा हमारा टू उसके बाद क्या करना है आपको दो नंबर्स दिए हैं ना टू के बाद फोर और वन पहले हम फोर टाइम्स जंप करेंगे फिर वन टाइम हम जंप करेंगे हम फोर टाइम्स जंप करते हैं वन टू थ्री एंड फोर हमने फोर टाइम्स जम्प किया उसके बाद वन टाइम जम्प और करना है ना यहाँ आपको वन भी ऐड करना है तो यहाँ हमने वन टाइम और जम्प किया तो हम कहाँ पहुँच गए सेवन पे तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा सेवन ऐसे ही आपको क्या करने हैं बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं कैसे करने हैं पहले जो फर्स्ट नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना है रो के ऊपर कि वो कहाँ है उसके बाद जो दोनों नंबर्स हैं आपको उतने टाइम जंप करना है जैसे ये क्वेश्चन है इसमें पहले आप थ्री क्या करोगे फाइंड करोगे रो के ऊपर कि आपका थ्री कहाँ है उसके बाद आप क्या करोगे वन टाइम जंप करोगे फिर फाइव टाइम जंप करोगे फिर आप जिस भी नंबर पे पहुँच जाओगे वो क्या होगा आपका आंसर मतलब इन तीनों नंबर्स को ऐड करके जो नंबर आपको मिलेगा वो आपको जंप करके आंसर मिल जाएगा नाउ आपको इसी पेज के नीचे ये जो साम्स दिए हैं ना ये क्या है वर्टिकल एडिशन है आपको जो ऊपर साम्स दिए थे वो आपको ऐसे लिख के दिए थे ना फाइव प्लस ज़ीरो प्लस फोर अभी यहाँ कैसे दे दिए थ्री प्लस टू प्लस वन मतलब आपको वर्टिकली ऐड करना है नंबर्स को जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है पहले क्या करोगे आप थ्री फाइंड करोगे रो के ऊपर कि आपका थ्री है उसके बाद टू टाइम्स जंप करना है फिर वन टाइम जंप करना है एंड जिस भी नंबर पे आप पहुंच जाओगे यू विल गेट योर आंसर जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए किया है ना इन्होंने पहले हम क्या करेंगे थ्री फाइंड करेंगे कि हमारा थ्री कहाँ है ये आपको रो दिया है एक सो थ्री मिल गया उसके बाद क्या करोगे उसमें टू ऐड करना है मतलब हम टू टाइम्स जंप करेंगे सो वन एंड टू हमने टू टाइम्स जंप किया हम कहाँ पहुंच गए फाइव पे उसके बाद क्या करना है वन टाइम और जंप करना है यहाँ वन भी ऐड करना है ना इसका मतलब वन टाइम और जंप करेंगे जब हमने वन टाइम और जंप किया तो हम कहाँ पहुँच गए सिक्स पे सो योर आंसर इज सिक्स दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी सम्स लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर थ्री डिजिट्स दिए हैं ना टू ज़ीरो एंड सिक्स पहले क्या करेंगे हम टू फाइंड करेंगे तो हमारा टू कहाँ है ये रहा हमारा टू हमें हमारा टू मिल गया उसके बाद आपको क्या करना है ज़ीरो ऐड करना है मतलब ज़ीरो टाइम जंप करेंगे हम फिर सिक्स टाइम जंप करेंगे ज़ीरो टाइम जंप करने का मतलब जीरो का कोई मतलब नहीं होता ना जीरो की कोई वैल्यू नहीं मतलब हमें जंप ही नहीं करना है हमें सिर्फ सिक्स टाइम्स जंप करना है सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हमने सिक्स टाइम्स जंप किया तो हम कहाँ पहुँच गए एट पे हमने पहले टू फाइंड किया जीरो टाइम जंप करने का मतलब आपको जंप ही नहीं करना है फिर आपको सिर्फ सिक्स टाइम्स जंप करना है तो हम कहाँ पहुँच गए थे एट पे सो योर आंसर इज एट दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एंड ऑन पेज नंबर थर्टी आपको क्या करना है जॉइन एंड कलर आपको जॉइन करके कलर फिल करना है आप देख रहे हो ना यहाँ आपको बहुत सारे बलून्स दिए हैं और बलून्स के नीचे क्या है आपको ये किड्स की पिक्चर्स दिए हैं और उनकी टी शर्ट्स के ऊपर क्या लिखे हैं नंबर्स सेवन एट नाइन एंड टेन सो आपको क्या करना है आपको इन बलून्स के अंदर नंबर्स दिए हैं ना जैसे फोर प्लस थ्री फोर प्लस फोर आपको इनको ऐड करना है ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आपको उसको उस नंबर के साथ मैच कर देना है जैसे इन्होंने आपके लिए क्वेश्चन किया है थ्री प्लस सिक्स थ्री के अंदर क्या ऐड करना है सिक्स ऐड करना है सो so, जब हम थ्री के अंदर सिक्स ऐड करेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो नाइन आएगा तो इन्होंने क्या किया इस बलून को नाइन नंबर वाली टी शर्ट के साथ जॉइन कर दिया ना इस लाइन के साथ ऐसे तो बलून को ऐसे इस लाइन के साथ यहाँ पे जॉइन कर दिया एंड आप ऐड कैसे करोगे इन नंबर्स को अभी तक आपने जो एडिशन सीखा है आपने कैसे सीखा है आप क्या है सब नंबर्स को लिख लोगे रो के ऊपर कैसे लिखोगे रो के ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ऐसे आप नंबर्स को लिख लोगे फिर क्या करना है आपको ऐड करना है जैसे आपको करना है सेवन प्लस वन पहले आप सेवन ढूंढोगे ना कि आपका सेवन कहाँ है सो हेयर इज सेवन उसके बाद कितने टाइम्स जंप करना है वन टाइम जंप करना है तो वन टाइम जंप किया हम कहाँ पहुँच गए एट पे मतलब सेवन प्लस वन क्या होगा एट इसको आप किसके साथ ज्वाइन कर दोगे जो आपकी एट नंबर वाली टी शर्ट है उसके साथ आपको Osionfish. इस बलून को क्या कर देना है जॉइन कर देना है ऐसे आप लाइन लेके आओगे और उसको उस टी शर्ट के साथ आपको ज्वाइन करना है जैसे इस बलून को ज्वाइन किया है ना नाइन नंबर के साथ जो भी आपका ऐड करके आंसर आएगा ऐसे आपको सब बलून्स को उनके साथ टी शर्ट्स के साथ ज्वाइन करना है जो भी आपका आंसर आएगा और आपके टी शर्ट्स के ऊपर ही डिजिट्स लिखे हैं तो आपको सही से मैच करना है बाद में आपको बलून में क्या करना है कलर फिल करना है जैसे अगर आपका आंसर सेवन है तो आप ये वाला कलर फिल कर देना अगर आपका आंसर एट आ रहा है तो आप रेड कलर फिल कर देना अगर आपका आंसर नाइन है तो आप ये कलर फ़िल कर देना अगर टेन है तो ये वाला कलर पिंक कलर फिल कर देना ऐसे आपको सब बलून्स में नंबर्स ऐड करने हैं जो आपका आंसर आएगा उसको उस डिजिट के साथ मैच कर देना है फिर कलर फिल करना है सो यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर ट्वेंटी नाइन एज वेल एज थर्टी डू योर वर्क प्रॉपरली अच्छे से कलर्स फिल करने हैं इसमें नीट हैंड राइटिंग में अपना वर्क करना है सो प्लीज़ डू योर वर्क थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे